हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी मैथमेटिक्स इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट देन हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो अल्फा है ये क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास तो एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट होने के लिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, ये होता है, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन शो करने के लिए पहले एम बराबर क्या है, ये टर्म जो है एम है और ये टर्म जो है एन है, तो ये हो गया हमारे पास एम बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास अगर डेल एम अपॉन डेल वाई की बात करें तो डेल एम अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट रहेगा 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास प्लस 2 जो हिसाब इसका करेंगे 2 एल्फा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। और एन की बात करें तो एन है हमारे पास 2 प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई, तो अब हमें निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहां से ये तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई। अब फिर डेल एम अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब वो इक्वल कब होंगे, अगर देखते हैं तो 3 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये और ये इक्वल है तो ये कट जाएंगे। अब हमारे पास ये टर्म जो है बराबर होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों का कोएफिशिएंट जो है बराबर होना चाहिए, तो यहां से आ गया हमारे पास 2 अल्फा बराबर 3 या यहां से अल्फा बराबर 3/2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अल्फा बराबर 3/2, जो कि ये ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।